राजस्थानी लोक कथा बोलन वाली गुफा। एक बार एक शेर भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक गुफा दिखी। शेर ने सोचा कि यहाँ पे एक गुफा है, जरूर इसके अंदर कोई ना कोई होगा, मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। और शेर अंदर चले गया। तभी एक लोमड़ी आई और उसने देखा कि शेर के पंजे वाले निशान सिर्फ अंदर जाते हुए हैं, बाहर आते हुए तो नहीं है। तभी उसने सोच के बोला, गुफा ओ गुफा, तू आज जवाब नहीं दे रही है। हम दोनों के बीच में तो ये तय हुआ था कि तुम जब भी मुझे अंदर आने के लिए बोलोगी तभी मैं अंदर आऊंगा। शेर ने सोचा कि अरे, इसने तो गुफा को ऐसा बोल दिया, जरूर ये कोई जादुई गुफा होगी, मैं आवाज़ दे देता हूँ ताकि मैं इसे खा सकूँ। आ जाओ, तुम्हें मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आ सकते हो। तभी लोमड़ी ने बोला, अरे शेर, तुम इतना भी नहीं जानते कि एक गुफा कभी नहीं बोल सकती है। और यही बोल के लोमड़ी निकल गई। तभी शेर भूखा प्यासा ही रह गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम मुसीबत में हो तब हमें घबराने की जगह अपने दिमाग से सोचना चाहिए।